नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। जुर्म का पर्दाफाश, रण की पूरी शूटिंग सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। बीती रात लखनऊ में भोजपुरी सिनेमा की सबसे बड़ी बजट वाली फिल्म रण का सफलतापूर्वक समापन हुआ, यानी रण की शूटिंग समाप्त हुई। इस खास मौके पर टीम के अधिकांश सदस्य मौजूद रहे, जिसमें फिल्म के मुख्य अभिनेता व रियल सुपरस्टार आनंद ओझा, स्टार विलेन अभिनेता अय्याज खान, सीने स्टार सीपी भट्ट, अभिनेता मनोज सिंह टाइगर, फिल्म के निर्देशक चंद्र पंत, निर्माता अरुण मिश्रा, फैशन डिजाइनर सृष्टि घिमिरे जिनका ताल्लुका नेपाल से है, अभिनेता हर्षित श्रीवास्तव आदि प्रमुख रहे। इस मौके पर सभी बहुत ही खुश और भावुक नजर आए। सभी सदस्यों की खुशी उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी, लेकिन उन चेहरों में से कुछ चेहरे भावुक भी नजर आए। आपको बता दें कि ये फिल्म भोजपुरी सिनेमा की सबसे बड़ी बजट वाली फिल्म है, जिसमें भोजपुरी जगत के रियल सुपरस्टार आनंद ओझा और भोजपुरी सेंसेशन काजल राघवानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। साथ ही साथ सीने स्टार सीपी भट्ट, मनोज सिंह टाइगर, विलेन अभिनेता देव सिंह और अय्याज खान, हर्षित श्रीवास्तव और भोजपुरी जगत में डेब्यू कर रहे हैं अभिनेता नरेन खड़के भी अहम किरदार करते नजर आएंगे। इस फिल्म के निर्माता अरुण मिश्रा और सह निर्माता रितेश बंद्रा श्रीवास्तव और ज्योति दिनेश पांडे हैं। ये फिल्म निर्देशक चंद्र पंत के निर्देशन में बनी है। इस फिल्म का कथा भी चंद्र पंत का ही है, तो वहीं संगीत धनंजय मिश्रा और गीत वीरेंद्र पांडे का है। इस फिल्म के पीआरओ आर्यन पांडे हैं। शूटिंग के आखिरी दिन फिल्म के पीआरओ आर्यन पांडे से एक खास बातचीत में अभिनेता आनंद ओझा ने बताया कि ये फिल्म उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, बल्कि सीधे शब्दों में कहें तो ये फिल्म उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा कि ये फिल्म उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। इस प्रोजेक्ट के सभी सदस्य काफ़ी मेहनती और लगनशील हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पता भी नहीं चला कि कब शूटिंग खत्म हो गई, लेकिन इस बात की खुशी है कि इतनी बड़ी फिल्म इतने कम समय में पूरी हो गई है, जिसका पूरा श्रेय टीम के सभी सदस्यों को जाता है, जिन्होंने जी जान लगाकर फिल्म के लिए अपना 100% दिया। अभिनेता आनंद ओझा का मानना है कि ये फिल्म भोजपुरी के अंदर एक बदलाव की लहर लेकर आ रही है, जिससे लोगों को भोजपुरी फिल्मों के प्रति नज़रिया बदलेगा। उन्होंने अंत में कहा कि वे सभी सदस्यों को दिल से धन्यवाद और बधाई देते हैं। आइए देखते हैं इंडिया पावर न्यूज़ की लखनऊ से एक रिपोर्ट।